फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीकर्स वर्ल्ड। सो आई होप कि आप सब ठीक हैं, अच्छे भले हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम जो व्लॉग बनाने लगे हैं, ये हमारा जो फूड से हटके है, दिस टाइम इट इज़ अ इंफॉर्मेटिव व्लॉग। अभी रिसेंटली यूके में न्यू रूल्स रखेंगे, मतलब प्रस्ताव रखा गया, प्रपोजल रखा गया, और वो होपफुली बाई नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम अपने ब्लॉग में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी हमारे फ्रेंड्स जो आ रहे हैं यूके में, उनको भी लाइक थोड़ा इस बारे में पता रहे कि क्या क्या चेंजेस जो है आने वाले हैं। सो जो हमारे यूके की होम सेक्रेटरी हैं, जिसे हम एज इमिग्रेशन मिनिस्टर भी कहते हैं, काफ़ी टाइम से लाइक शी इज़ अ सेला बर्मन, तो काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि कैसे इमिग्रेशन को थोड़ा कट ऑफ किया जाए, क्या नए रूल्स लाए जाए कि इन चीज़ों पर थोड़ा कम, इस चीज़ों माइग्रेशन को थोड़ा कम किया जाए। सो फाइनली दे हैव कम टू द कंक्लूजन, और वो उन्होंने अब जो है न्यू रूल्स जो है यहाँ पर ले आए हैं, बस इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुए हैं, वो नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होंगे। सो एज पर देयर आर्टिकल, चेंजेस टू स्टूडेंट वीजा रूट विल रिड्यूस नेट माइग्रेशन, विच मीन्स न्यू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस टू स्टूडेंट वीजा रूट्स विल कट नेट माइग्रेशन वाइल प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द यूके। सो पहली चीज, ऑल दो ये रूल्स लाए हैं, बट उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट जो यूके को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इफेक्ट ना हो। बिकॉज अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली 41.9 बिलियन जो है इनको इकोनॉमी को बूस्ट किया है यहाँ की यूके की। तो ऑब्वियस है, जब इतनी अमाउंट में उन्होंने इकोनॉमी बूस्ट करी है, तो ये अभी PSW पे कोई इशू, लाइक PSW पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं ना, काफी लोगों से सुनने में आ रहा है जी 6 मंथ्स का कर देंगे PSW या बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज। PSW भी 2 ईयर्स करेगा। ऑब्वियसली जब इतना लाइक इकोनॉमी बूस्ट हो रही है इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट से, तो वो PSW तो नहीं, अभी हाल फिलहाल उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, ना इस पर इन्होंने कोई बात करी है, अभी सिर्फ बात हो रही है जो इन्होंने रूल्स लाए हैं। वेल, ये 5 जो रूल्स नए लेकर आए हैं, 5 भी नहीं, लाइक 6 रूल्स जो है ये अप्रोक्सीमेटली लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। अगर इनका जो डाटा देखा जाए, उसके अकॉर्डिंगली 2021 से लेकर 2022 तक इनके कह रहे हैं कि लाइक 5 लाख जो माइग्रेशन जो है इस ड्यूरेशन में ही हुई है, इतने एक साल के ड्यूरेशन में ही हुई है। और अगर हम बात करें डिपेंडेंट्स की, तो वो इंक्रीज हुई है 750%, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1,36,000 जो है वो डिपेंडेंट ही आए हैं यूके में इस एक साल के टेन्योर में। और अगर हम बात करें आगे की, तो इनका जो मेन था, मोटिव था कि बाय 2030 तक इनका था कि 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ईच ईयर, बट ये जो इनका जो एक था एक मोटिव, वो अभी तक ही इसी साल में ही कम्प्लीट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी लाइक नंबरिंग है। तो जो 2030 तक होनी थी, वो जो अभी हो गई है, इस वजह से भी जो है इन्होंने जो रूल्स जो है लाने का सोचा है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहले रूल से। फर्स्ट रूल है बैनिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम ब्रिंगिंग डिपेंडेंट्स अनलेस दे आर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करंटली डेजिग्नेटेड एज रिसर्च प्रोग्राम्स। सो पहला रूल जो इन्होंने निकाला है कि अब जो पहले तो था कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही नहीं ला सकते, अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते थे, बट अब जो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं, जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला पाएंगे, विच मीन लाइक अपने हस्बैंड को, अगर कहें कि बच्चों को नहीं, दे कैन नॉट ब्रिंग देयर हस्बैंड और चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देम व्हेन दे आर डूइंग मास्टर्स इवन। हाँ, सिर्फ जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, जैसे कि PhD करने यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ वो अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। रीजन, एक तो PhD है भी लंबी, 3 से 5 साल की होती है, इसके बाद PSW भी हमारा 3 ईयर्स का होता है PhD में। और सेकंड क्या होता है कि PhD का ऐसा होता है कि हम एक कहते हैं एक जनरल है, लाइक ऑब्वियस स्टूडेंट जो PhD करते हैं उसी फील्ड में ही अपनी जॉब देखते हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो जनरल स्टूडेंट हैं, जो इसी इसी अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ वही है, जो जनरल नहीं है, जो सिर्फ एक कहते हैं ना कि स्टडी को एक रूट लेक समझ के आ रहे हैं। बिकॉज होता है स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑब्वियस है, अब फैमिली को लाना है, खुद भी आना है, हस्बैंड ने भी आना, क्यों आते हैं, चलो ठीक है, स्टडी को एक रूट बना लिया, दैट्स इट।
तो स्टूडेंट अब गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट आए, ना कि जो सिर्फ यहाँ पर सेटल होने आ रहे वो आए। अब सेकेंड रूल है रिमूविंग द एबिलिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्विच आउट ऑफ द स्टूडेंट रूट इनटू वर्क रूट बिफोर द स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड। अब देखा जाए तो पिछले साल से तो कुछ ज्यादा ही हो गया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इवन उनके जो हमारे जो वीजा कंसल्टेंट है वो भी इनको बताते हैं ठीक है डिपॉजिट करवाओ। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, अपने डिपॉजिट देते हैं, कुछ परसेंट फी जो एडवांस में पे कर देते हैं। आफ्टर दैट व्हाट दे डू, वो अपने स्टडी स्टूडेंट वीजा को स्विच कर लेते हैं वर्क वीजा में, स्पेशली केयर होम वीजा में, जो कि एक ईजिएस्ट वीजा है। तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो अल्टीमेटली लॉस जो जा रहा है वो है यूनिवर्सिटीज को जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ने कुछ हद तक फी पे कर दी, बाद में उन्होंने अपना स्विच कर लिया वर्क परमिट में, टीयर फोर से टीयर टू में कन्वर्ट कर लिया वीजा, जो पैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो अपने कोर्स कंप्लीशन के लिए फी देनी थी रह गई थी वो ना देकर उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप ले ली, तो लॉस चला गया यूनिवर्सिटीज को। हो सकता है उन्होंने कंप्लेन की है, तो गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि अब जब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, अपनी जो भी डिग्री है, चाहे अगर वो एक साल की है, दो साल की है, तीन साल की है, जितने भी ड्यूरेशन की है, जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आप वर्क वीजा में अपने वीजा को स्टूडेंट वीजा को स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिकली लॉस होता है इस चीज का। सो ये रीजन था इस रूल को भी लाने का। अब बात करते हैं हम थर्ड रूल की, विच इज ऑल्सो अगेन वन इम्पॉर्टेंट रूल, रिव्यूइंग द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। अब जैसे कि हमको पता है कि अगर यूके हमने आना है तो अपनी नेटिव कंट्री से जो हम फंड शो करते हैं नॉर्मली हमारे होते हैं 1 month पुराने होते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो वहां है 6 months पुराने। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ये चीज ले आई, ये प्रपोजल रखा है अभी इस चीज का भी, कि शायद वो 1 month से बढ़ाकर 6 months का कर दे, जो फंड्स की जो अमाउंट एक लिमिट रखी है वो बढ़ा दें, डिपेंडेंट की बढ़ा दें। बट अभी जैसे कि डिपेंडेंट तो बंद ही कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे अभी ऐसे कोई प्रॉपर फिगर नहीं उन्होंने बताई है, बट हो सकता है कि इसमें ये चेंजेस लाएंगे, ये प्रपोजल रख दिया इन्होंने। या तो ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, फंड्स कितने पुराने होने चाहिए, कि फंड्स की कितनी अमाउंट होनी चाहिए वो चीज नहीं कर सकते हैं। अब बात करें हम अगले रूल की। अगला रूल है स्टेप्स टू क्लैंप डाउन ऑन अनस्क्रूपुलस एप्लीकेशन एजेंट्स हु मे बी सपोर्टिंग इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस टू सेल इमिग्रेशन नॉट एजुकेशन। अब क्या होता है कि काफी ऐसे एजेंट्स हैं हमारी कंट्रीज में, हर एक कंट्री में बात करूं, काफी कंट्रीज में एजेंट्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं कि स्टडी को एक रूट बना के भेजते हैं स्टूडेंट्स को, जिसके मैंने पहले भी बात कर ली है कि ठीक है आप इतना डिपॉजिट पे कर दो, इतने परसेंट फी पे कर दो, वहां जाके आप अपना वीजा स्विच कर सकते हो, आराम से आप वर्क परमिट ले लो, ठीक है तुम वहां जाके सेटल हो जाओ। मतलब कि वो स्टूडेंट्स के यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, वो ये एडवाइस करके नहीं भेज रहे कि तुम जाके वहां पढ़ो भाई, तुम एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो जो कि यूके जिसके लिए जाना जाता है। तो वो ये इस मोटिव से नहीं भेज रहे, वो भेज रहे ठीक है तुमने सेटल कैसे होना है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ऐसे एजुकेशनल एजेंट्स को भी बैन करने का, उन पे भी एक्शन लेने का। सो गवर्नमेंट कहती है कि आपने अगर वीजा लगवाना है तो एक जेन्युइन एजुकेशनल एजेंट से लगवाओ, ना कि उन एजेंट से जो सिर्फ तुम्हें यहाँ से सेटल होने के लिए भेज रहे। वेल, मैं पहले आपको एक बार एक चीज बता देना चाहती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रही है वो नहीं, ये एक्चुअल इम्प्लीमेंट हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक शेयर कर दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ लिंक से गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ सारे रूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया हुआ है हर डिटेल में। तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से रूल इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या उनका बेनिफिट हो सकता है, ये सारा वहाँ पर भी है। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स फिफ्थ रूल, दैट इज बेटर कम्युनिकेटिंग इमिग्रेशन रूल्स टू द हायर एजुकेशन सेक्टर एंड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो विच मीन्स कि यूके वी आई यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट ने अब कोशिश करी कि उसको और ट्रांसपेरेंट किया जाए और ईजी किया जाए। विच मीन्स जैसे कि आप अगर आपकी स्टडी कम्प्लीट हो जाती है, बाद में अपने PSW अप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट आप ये कोशिश करिए कि ठीक है वो उस प्रोसेस को थोड़ा ईजी कर दिया जाए, ताकि आपको जब भी अप्लाई करना है थोड़ी कोई डिफिकल्टी ना आए, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है वो आराम से क्लियर हो जाए, ईजी वे से क्लियर हो जाए।
सो गवर्नमेंट और उसको कैसे इजी वे से करना है कि थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, उस चीज को और ट्रांसपेरेंट कर देंगे. एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अभी जो गुड थिंग यही जो हाल फिलहाल रह रही है वो यही है कि डोंट वरी, PSW पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. PSW आपका 2 years का ही रहेगा, वो कहीं 6 months है जिसमें मैंने पहले भी कह दिया वो नहीं हो रहा है. अब बात करते हैं लास्ट रूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज इम्प्रूव्ड एंड टारगेटेड इन्फोर्समेंट एक्टिविटी. अब गवर्नमेंट ने ये भी करा है कि जो इलीगल तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है. या फिर क्या होता है, कुछ ऐसे इनएप्रोप्रिएट एजेंट्स के थ्रू आ जाते हैं, क्योंकि कई एजेंट्स क्या होते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं कि भाई तुम्हें पहचाना कोई बात नहीं, ये वाला डॉक्यूमेंट फेक लगा लो, वो लगा लो. तो अब जब आप कोई ऐसे इस तरीके से आएंगे, कोई फेक डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे या किसी भी इलीगल तरीके से यहाँ पर एंटर होंगे, तो हो सकता है अब आपकी जो क्वेश्चनिंग है वो और स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चनिंग होगी कि भाई कैसे है, क्यों है, क्या है इसका, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या स्किल है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि टीयर 4 से टीयर 2 में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो ऑब्वियस है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भी कन्वर्ट कराया आपकी क्या कैपेबिलिटी थी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले क्या रह चुकी है, आपका वर्क बैकग्राउंड क्या रह चुका है, जो आपने अब इसमें स्विच कर लिया है उसको लेकर क्वेश्चनिंग ज्यादा हो सकती है. और हो सकता है जब ILR का टाइम आएगा तब भी आपसे क्वेश्चनिंग स्ट्रिक्ट की जा सकती है, ज्यादा डिटेल में की जा सकती है कि भाई क्या आपका मोटिव था, अगर आपने ये स्विच किया क्यों किया, अच्छा आपने ये चीज कर रहे हो आपकी क्या स्किल है, क्या कैपेबिलिटी जिस वजह से ये कर रहे हो, इसको लेकर काफी क्वेश्चनिंग हो सकती है. सेकंड, जैसे कि अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इलीगल तरीके से रहते हैं, इलीगल तरीका मतलब जैसे कि यहाँ पर अलाउड है 20 hours वर्क पर वीक, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 20 hours से ज्यादा वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी. तो ये चीजें हैं जो ये रूल्स जो है गवर्नमेंट ला रही है बाय नेक्स्ट ईयर. अब क्यों ला रही है, जैसे कि मेन आता है कि भाई क्यों सडनली, सी ऐसा सडनली कुछ नहीं हुआ है. काफी जैसा कि मैंने डाटा आपको डिटेल में बताया भी है, आप लिंक्स में जाकर भी देख सकते हैं. अगर हम 2019 से लेकर अब तक की बात करूं तो 7-8 टाइम्स ज्यादा माइग्रेशन हुई है, या मतलब स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं. अगर मैं बात करूँ नाइजीरिया की, वहां पर जितने स्टूडेंट्स आए उतने ही डिपेंडेंट्स आए. और नाइजीरिया के अलावा मैं बाकी कंट्रीज की बात करूँ जहां से ज्यादा स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स आए, वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका. मतलब ये 5 कंट्रीज हैं जहां से स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स बहुत ज्यादा है. और जब ये स्टूडेंट्स के साथ साथ डिपेंडेंट्स भी आते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब डिपेंडेंट आएंगे उन्हें वर्क करना है, वर्क करेंगे तो ऑब्वियस वर्क के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, लैक ऑफ वैकेंसीज. सेकेंड थिंग, अकोमोडेशन को लेकर कंपटीशन आ जाएगा, अकोमोडेशन मिलनी मुश्किल हो जाती है, जो कि हुआ भी है पिछले साल से बहुत टफ हो गया. पहले था आपको आराम से रूम मिल जाता था, लेकिन अब आपको रूम भी ढूंढना है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. और घर मिल भी रहा है तो ऑब्वियस है जो लैंडलॉर्ड्स है वो बहुत ज्यादा चार्ज भी कर रहे हैं स्टूडेंट से. इतनी हमारी कैपेबिलिटी होती नहीं है लोगों की, पर उनको डबल चार्ज कर रहे हैं, ये भी एक ड्रॉबैक आ रहा था. सेकेंड ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्टूडेंट्स यहाँ आकर अपना वीज़ा स्विच कर लेते हैं, स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं, केयर होम में कर लेते हैं. तो गवर्नमेंट इसलिए भी दे रही है क्योंकि भाई पहले आपका एक्सपीरियंस ये सब था नहीं, अब सडनली इस फील्ड में आ गए हो. क्यों आ गए हो, मतलब कि वो जेन्युइन नहीं है, वो यहाँ सिर्फ अर्निंग करने आए, यहाँ पर सेटल होने आए. तो इस वजह से भी जो गवर्नमेंट है ये रूल्स ला रही है. बाकी लेट्स सी, अभी ये प्रपोजल रखे गए हैं, अब आने वाले टाइम में इनमें कोई अमेंडमेंट होती है नहीं होती है तो ये तो वक्त ही बताएगा. और गुड थिंग ये है कि जो इस साल जो अपनी फाइल लगा रहे हैं, इस साल के इनटेक में आ रहे हैं, सितंबर इनटेक में, जून इनटेक में, उनको कोई टेंशन लेने की नहीं है, इस साल से नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो रूल्स अगर इम्प्लीमेंट हुए तो बाय जैन 2024 से ही इम्प्लीमेंट होंगे, अभी नहीं होंगे. और अभी ये प्रपोजल रखेंगे, अभी इनमें कोई अमेंडमेंट आती है या यही रूल्स फाइनली परमानेंटली हो जाएंगे या कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ थोड़ा इसको थोड़ी ढील देंगे नहीं देंगे, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा. टिल देन आई होप कि सबकी फाइल सक्सेसफुल हो, जो आ रहे हैं जिस मोटिव से भी आ रहे हैं, अच्छे पढ़ने आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको मिले, सही हो सब कुछ. बाकी वी कैन सी इन कमिंग फ्यूचर. आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं. अगर ना भी हो, लिंक भी है, आप मुझे DM भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर कोई भी डाउट होगा. तो टिल देन विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. सो टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय.